इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। नई तालिबानी हुकूमत के गठन की कवायद चल रही है। तालिबानी कमांडर पूरी दुनिया से उसे मान्यता देने की गुहार लगा रहे हैं। तालिबान के इन्हीं टॉप कमांडर्स में से एक शेर मोहम्मद अब्बास, आपको बता दें कि स्थानिक अजाई हैं और जिसका भारत और भारतीय सेना से पुराना नाता रहा है। स्थानिक अजाई अफगान आर्मी की तरफ से IMA देहरादून से ट्रेनिंग भी ले चुका है। शेर मोहम्मद अब्बास स्थानिक जई ने 1982 में IMA देहरादून से प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद ही इस कोर्स में भारतीय सेना के ब्रिगेडियर संदीप थापर भी इनके बैचमेट रहे हैं। थापर अब सेना से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन शेरू उन्हें आज भी अच्छे से याद है, क्योंकि शेर मोहम्मद को IMA में शेरू के नाम से ही जाना जाता था। इंडिया टीवी से बातचीत में ब्रिगेडियर थापर ने बताया कि उनके बैच में 4 अफगानी कैडेट्स थे। शेरू भी उन्हीं में से एक था। बाकी अफगानी कैडेट्स की तरह ही शेरू भी बेहद रिजर्व रहता था। हिंदुस्तान की आर्मी काफी देशों की मुल्कों की फौज को ट्रेन करती है, जवानों को भी और ऑफिसर्स को भी। ऐसे ही अफगान आर्मी के भी कैडेट्स ट्रेन किए जाते हैं, किए जाते थे, अब भी किए जाते हैं। मेरे टाइम में भी मेरे साथ 4 कोर्समेट थे जो अफगान आर्मी के थे IMA में। उसमें से शेर मोहम्मद अब्बास, यानी कि शेरू जैसे हम बोलते थे, शेरा जिसे सब जानते हैं, जो अब तालिबान का टॉप लीडर है, वो भी था। वो मेरी कंपनी में नहीं था, किरण कंपनी भगत बटालियन डिफरेंट बटालियन में था। मैं शक्ल से उसे पहचानता था, लेकिन इंटरेक्शन बहुत कम हुआ। लेकिन जो लोग उसके साथ उसकी प्लटून के थे, उनके हवाले से सुना है कि बड़ा नॉर्मल सा आदमी था। थोड़ा फिजिकल ट्रेनिंग में मक्कारी का जो शब्द फौज का इस्तेमाल करते हैं वो करता था, और काफ़ी अलूफ रहता था। वैसे भी अफगान जितने ऑफिसर्स कैडेट थे वो अलूफ रहते थे, क्योंकि उनकी हिंदी और अंग्रेजी में उनको प्रॉब्लम थी बातचीत करने में, तो आपस में ही अफगानियों में ही घुल मिल के रहते थे। उस टाइम शेरा ने कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं दिया कि वो आगे चल के ऐसे तालिबान का हेड बनेगा। बिल्कुल नॉर्मल, कोई नथिंग आउटस्टैंडिंग उसके बारे में कोई खास चीज़ नहीं थी। काफ़ी शरीफ लगता था भी। और बाद में 14-15 साल बाद अफगान आर्मी की नौकरी करने के बाद उसने छोड़ के तालिबान ज्वाइन किया, तो ज़रूर कुछ हुआ होगा। दूसरी बात, हिंदुस्तान के बारे में उसके क्या ख्यालात होंगे, मुझे लगता है वैसे भी अफगानी लोग हिंदुस्तान को बहुत पसंद करते हैं, उसकी कल्चर को, उसकी हिस्ट्री को, हमारे हिस्टोरिकल टाइज हैं। तो उसने भी 4-5 साल हिंदुस्तान में काटे हैं, तो ये यादें तो अच्छी लेके गया होगा। लेकिन कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या अभी हम उस हिंदुस्तान उससे संपर्क करके कुछ फ़ायदा कर सकता है, तो अब 40 साल हो गए इस बात को, मुझे नहीं लगता कि उससे कंटैक्ट होके कुछ हो पाएगा, क्योंकि वो इंडॉक्ट्रिनेट तालिबान के इरादे से हो गया है। तो पाकिस्तान सपोर्टेड है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हिंदुस्तान की तरफ झुकाव दिखाएगा अब। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।